ये निवेदन है कि आप जन्माष्टमी की तैयारी करो कैसे, भगवान का गुणगान बढ़ाकर। एक तरह से तो भौतिक योजना ये चलते जाएगी, अच्छा पंडाल बन रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति बनाओ कि अनेक लोग आए या दर्शन लें, पर साथ में हमें भगवान का गुणगान बढ़ाना है। आप सबको प्रयास करना चाहिए, भगवान के शास्त्रों को और पढ़ो, भगवान के शास्त्रों के संदेश की चर्चा करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान के नामों का संदेश दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि यही एक माध्यम है। जैसे इस श्लोक में कहा जा रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने का, तो यही एक साधन है असली सुख प्राप्त करने के लिए। तो हमारी रुचि किस में बढ़नी चाहिए, और अगर हम भगवान के गुणगान में रुचि बढ़ा रहे हैं, तो ये जो भौतिक कारणों के कारण अहंकार प्रतिष्ठा ये सब जो है विचार जो है खुद ही खुद मिट जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान के गुणगान में रुचि नहीं लेते, भगवान के गुणगान के प्रति ज्यादा प्रयास नहीं करते, फिर हम क्या देखते हैं, एक दूसरे की कमियों को देखते हैं, एक दूसरे के दोषों को देखते हैं, यही आदर प्रतिष्ठा इत्यादि का सोचते रहते हैं। पर अगर हम भगवान के गुणगान में जुड़ेंगे डूबेंगे, तो फिर हृदय की मैल निकलेगी और आप भगवान के शरणागत हो सकोगे। और भगवान का गुणगान बनाने का सबसे अच्छा अवसर क्या है, ये जन्माष्टमी का उत्सव। तो हमें जैसे हम जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको ये योजना बनानी चाहिए कि हम अपना गुणगान बढ़ाएं। और गुणगान बढ़ाने का माध्यम क्या है, हरि नाम का उच्चारण बढ़ाएं, सावधानी से करें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, भगवान की लीलाओं की चर्चा करें, भगवान के गुणों का स्मरण करें, भगवान के संदेश का स्मरण करें। जैसे भगवत प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हो कि जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो अर्जुन उदास हो गए थे, फिर अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, और जैसे ही गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि स्वयं भगवान वहां उपस्थित हैं, और जो उनकी निराशा थी वो दूर हो गई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, और मैंने पहले भी आपको समझाया था कि हम सब भक्तों को सदा गीता के संदेश का स्मरण करते रहना चाहिए, फिर आपको ऐसे महसूस होगा कि स्वयं भगवान यहाँ उपस्थित है। तो अगर हम इन आध्यात्मिक योजनाओं का लाभ उठाएं, फिर हम भक्ति के मार्ग में भी बढ़ेंगे और फिर भगवत प्रेम प्राप्त हो सकेगा, जो कि जीवन का असली लक्ष्य है। डियर फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।